आनंद जी, पिछले दिनों आपने जो राष्ट्र की बात में मिमिक्री की थी वो काफी वायरल हुई थी। अभी जो सिचुएशन बनी है अजीत दादा की, हृदय परिवर्तन हो रहा है, गलती महसूस हो रही है, पछतावा महसूस हो रहा है, कैसे बयां करेंगे आप अपने अंदाज में? रवि ठाकुर जी नमस्ते। हमारे महाराष्ट्र में अगर इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दें, इक्का दुक्का राजनेताओं को छोड़ दें, तो ज्यादातर महाराष्ट्र की राजनीति सुसांस्कृतिक और सभ्यता वाली रही है। एक दूसरे के विचारधाराओं के अलग अलग होने के बाद भी लोग एक दूसरे को बड़ा सम्मान की नजरों से देखते आए हैं। अगर हम कुछ वर्षों की राजनीति छोड़ दें तो सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो भूला नहीं कहा जाता। अजीत दादा पवार महाविकास आघाड़ी में भी 2.5-3 साल हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, हमारे उनके मतभेद हैं, हम आपस में एक दूसरे के सामने विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं होते। अजीत दादा पवार के हृदय परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है, तर्क है, जो मैं समझ पाया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार अजीत दादा पवार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुए हैं, उसके बाद से ही वो विचलित हैं, बेचैन हैं, जगह जगह महाराष्ट्र भर में दौरा कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जनता का समर्थन हमारे साथ नहीं है। कितने भी हम योजना ले आए, कितने भी हम एक जुमलेबाजी करें, लेकिन जनता हमें माफ करने वाली नहीं है और महाविकास आघाड़ी के ही नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। और आज उनके बयान से लग रहा है कि उन्होंने जब कहा कि सुप्रिया ताई जी के सामने हमें उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था, हमें लड़ाई घर तक नहीं लानी चाहिए थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो जहां से विधायक है बारामती, उन्हीं के सगे भतीजे युग पवार जी उन्हीं के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। तो एक बार सोचिए कि एक बार अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई है, आप स्वयं अगर चुनाव हार जाएं, तब आप सोचिए कि आपकी राजनीति में मुख्यमंत्री बनना तो छोड़िए, आप विधायक बनने के अगर स्तर पे नहीं है तो बेचैन आप होंगे, विचलित आप होंगे। और एक अच्छे राजनेता का ये दिमाग होता है, उसका एक चरित्र होता है कि समय के नजाकत को पहचाने। अजीत दादा अपनी गलती सुधार कर समय की नजाकत को पहचान रहे हैं और हमें लगता है कि राजनीति में इसका स्वागत होना चाहिए। सुबह का भूला शाम घर आता है तो भूला नहीं कहा जाता। और अजीत दादा पवार जिस ढंग से पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उनको एक साफ संदेश मिल रहा है कि महाविकास आघाड़ी की ही सरकार आएगी, असली शरद पवार साहब की ही। लेकिन आनंद दुबे जी, तो आप इसमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र की सियासत में, चाहे वो महायुति गठबंधन हो, महाविकास आघाड़ी गठबंधन हो, सीएम की रेस भी लगी हुई है। अगर अजीत पवार वापस आते हैं एनसीपी में और मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं, तब भी क्या आपका गुट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि अजीत पवार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, ये तोड़फोड़ जितनी बार उन्होंने की है, जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है, उसका एक ही मकसद है, चीफ मिनिस्टर बनना, मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र का। तो उसके लिए तैयार होगा आपका गठबंधन? नहीं 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 नहीं, आपका सवाल ऐसे है कि एक नदी के दो किनारे आपस में कभी मिल जाएं दुबे जी तो क्या होगा? अरे ऐसा होता ही नहीं है, नदी के दो किनारे कभी मिलते नहीं हैं, दोनों एक दिशा में ही रहते हैं। आनंद जी ये हो चुका है, का तो सवाल ही नहीं उठता। आनंद जी ये हो चुका है, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे, सुबह सुबह शपथ ली थी, दोबारा वापस लौट आए थे, दोबारा किनारे पे, ये हो चुका है। अब सवाल मैं कह रहा हूं कि अब लड़ाई जो इस बार महाराष्ट्र की है वो असली नकली के साथ चीफ मिनिस्टर की भी है। 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जिस प्रकार उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकारा है, उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सवाल ही नहीं उठता कि अजीत दादा पवार एनसीपी में आएंगे तो उनको कोई सीएम स्वीकार कर लेगा। यही दो किनारे हैं, ये किनारे कभी मिल ही नहीं सकते। हाँ, आदरणीय अजीत दादा पवार शरद पवार जी के भतीजे हैं, उनकी पार्टी में वो आए, उनका काम है कि उनको कैसे पार्टी में वो किस पद पर
पे ले आएंगे, ये उनका विषय है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उनको सीएम बनाया जाएगा इस शर्त पे हुआ है, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये कदापि कोई सहन भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए, इतनी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए कि जब एक दूसरे से मुलाकात हो, आमना सामना हो, तो हम नजरें मिलाकर प्रेम व्यवहार से बात भी न कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है कि इतनी गंदगी कर दो, इतना कीचड़ कर दो, फिर वही कमल खिलाओ और फिर उस कमल को लेकर दुनिया में दौड़ो, ये उनका चरित्र होगा। ठीक है, ब्रजमोहन जी आपने सुन लिया होगा, वापस आ सकते हैं, मिलन हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है अजीत पवार की, वो बार बार कह चुके, अभी कहा उन्होंने कि मैं सबसे सीनियर हूं, देवेंद्र फडणवीस से सीनियर हूं, एकनाथ शिंदे से सीनियर हूं, लेकिन मुझे अभी तक वो पद नहीं मिला जिसकी उनकी ख्वाहिश थी। तो ये तो साफ कर दिया है कि आप इधर रहें उधर रहें, सीएम का पद मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि सीएम का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है कि अजीत दादा महाराष्ट्र के एक बहुत ही सक्षम और लोकप्रिय नेता है, और अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश को एक नई ऊंचाई देंगे, प्रदेश को एक नई दिशा देंगे, इसका विश्वास मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र की पूरी जनता को है। नहीं तो सीएम बनाएगा कौन? महायुति, महाविकास, अघाड़ी वाला गठबंधन जी, सीएम बनाएगा कौन? कोई तैयारी नहीं है सीएम बनाने को, अजीत पवार को भरोसा ही तोड़ दिया आप लोगों ने। देखिए, मुख्यमंत्री का बनना हमेशा आंकड़ों पर निर्भर करता है, ये खाली सोचने से नहीं होगा, ये इस पे तय होता है कि विधानसभा में बहुमत किसका और किसके पास कितने विधायक है, उस पे तय होगा। तो आज मैं सोचता हूँ इस काल्पनिक बात पे चर्चा करने का शायद कोई उचित नहीं है। एक बात मैं अभी यहाँ पे चर्चा में आई थी कि दिल्ली से कहा गया था कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एनसीपी की ज्यादा सीटें आई तो आप महायुति गठबंधन में सीएम का दावा ठोकेंगे? देखिए, दावा ठोकना इस पे निर्भर भी करता है कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं। आज ये बात तय है कि आज महायुति के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनको हम लोग जानते हुए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तभी हम लोगों ने उनके साथ हम महायुति के गठबंधन में आए थे। और एनसीपी की सीट ज्यादा आ गई तब भी, मान लिया एनसीपी की सीट ज्यादा आ गई गठबंधन में, तब भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे? एकनाथ शिंदे को तब भी मुख्यमंत्री मानेंगे? रवि जी, मैंने आपसे यही कहा कि ये बहुत काल्पनिक सवाल है, इस पे आज तत्काल जवाब देना नहीं है, वैचारिक सवाल है कि चीफ मिनिस्टर को लेकर आपकी सोच क्या है। वैचारिक मुद्दे पे इस दिन की बात का कोई औचित्य नहीं है तो क्यों इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से किसी ने भी ये नहीं कहा था कि बारामती से आदरणीय सुनीता ताई को खड़ा किया जाए, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ये निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था और उस दिन भी अजीत दादा पवार इस फैसले से सहमत नहीं थे जो उन्होंने बोला है, बिल्कुल सत्य है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई प्रेशर आप पे नहीं है, किसी तरह का कोई बीजेपी की तरफ से, आप जो फैसले ले रहे हैं खुद ही ले रहे हैं और खुद ही पछतावा हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से दादा ने तो स्पष्ट किया ना, इसपे साफ बोला है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, एनडीए में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख घटक दल है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के साथियों पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालती है, खासतौर से निर्णय के मामले में। वहां पे चर्चा होती है, चर्चा के उपरांत वहां पे एक तय होता है और उसके बाद ही फिर आप कह रहे हैं कोई दबाव नहीं डालती। ब्रजमोहन जी, फिर प्रफुल्ल पटेल का उस टाइम बयान आया था कि मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, मुझे एमओएस बनाया जा रहा, मैं क्यों बनूंगा, उस दबाव में तो आप झुक गए? दबाव कहां डाला, ये मैंने बताया कि नीतिगत निर्णय था। बात कुछ और, नीतिगत निर्णय यह था कि हमारे चार सांसद होना चाहिए थे, हमारे पास चार सांसद नहीं थे, वो नीतिगत फैसला था। उस नीतिगत, हम लोग चूंकि गठबंधन का हिस्सा है तो वहां पर अगर कोई नीति बनती है, सब लोग मिलकर अगर कोई नीति बनाते तो उसका पालन करने की जिम्मेदारी भी। ठीक है, ठीक है, मैं ये जवाब देता हूं, जिम्मेदारी के अंतर्गत हम लोगों ने यह निर्णय लिया। ठीक है रोहन जी, जवाब ठीक है, महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है आपका ही गठबंधन है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है सीएम कौन होगा? बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? क्या देवेंद्र फडणवीस दोबारा सीएम बनेंगे? जिस तरह से एनसीपी खुद कह रही है कि भाई सीटें आएंगी तब पता लगेगा कि समीकरण क्या बनेगा। आखिर में ये सवाल तो महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहेगी ना कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ठीक एक महीने बाद, आपका चेहरा कौन होगा? देखिए रवि जी, चेहरा जो है जनता तय करती है, और आंकड़ों की